फील्डिंग आपको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट में इंटेग्रल रोल प्ले कर रही है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फील्डिंग यूनिट बने। और जैसे जैसे सेशन हम करते गए उसमें इम्प्रूवमेंट इनमें आती गई, उसके साथ साथ हम लोगों ने इनका हाई कैचिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है, जिसमें बैकवर्ड रनिंग कैचेज में भी हमने इनके साथ काम किया है। उसके अलावा टारगेट हिटिंग स्टम्प्स पे हमने इनके साथ काम किया है। उसके बाद हमने स्लिप में स्लिप के लिए भी स्लिप फील्डिंग कैचेस के लिए भी हमने इनके साथ काम किया है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है बच्चे इंप्रूव करते जा रहे हैं। हमने देखा है कि लास्ट सीरीज़ में हम लोगों ने कुछ रन्स गिवन जो थे हमारे उसकी तादाद ज़्यादा थी, लेकिन अभी हमने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। तो प्रैक्टिस मैचेस में हमने फील्डिंग में बहुत अच्छी फील्डिंग लड़कों ने की है, जो जो कुछ हमने इनको इंप्लीमेंट करवाया उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की, और उसके रिजल्ट भी हम लोगों के सामने आए। तो होपफुली इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छा फील्डिंग यूनिट बने पाकिस्तान के लिए, आने वाले टाइम में ये बच्चे पाकिस्तान को फ़ायदा दें। देखिए जी, फील्डिंग आपको हमेशा से पता है कि फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, और एक अच्छा कैच मैच चेंज कर देता है, एक अच्छा रन आउट मैच चेंज कर देता है। तो हमने पूरी कोशिश किया कि हम बच्चों को हम बेसिक्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, और ताकि प्रेशर सिचुएशंस में बेसिक्स काम आती हैं, बेसिक्स में रह के वो अपने आप को अच्छा डिलीवर कर सके पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह हम पूरे उम्मीद हैं कि जितना हमने इन लोगों के साथ इस पूरे कैंप में काम किया है ये बच्चे डिलीवर करेंगे। स्किल इनमें बिल्कुल मौजूद है और इन लोगों ने अपना पोटेंशियल दिखाया भी है, जितनी इनको मेहनत करवाई है उन्होंने इसके साथ साथ अपना पोटेंशियल भी शो किया। और हम लोग इंशाल्लाह बड़े पूरे उम्मीद हैं कि कोई भी ऐसा ओकेजन आएगा जिधर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छा कैच लेने की, एक अच्छा रन आउट लेने की, ये बच्चे उस पर पूरा उन तवक्कात पे पूरा उतरेंगे।